लौकी कह रही थी साल का हूँ सो मुझे याद नहीं है कि मेरे बचपन में मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म कब मिला है। आई गेस मैं सेवन्थ या एट्थ में था तब मुझे जब प्लेटफॉर्म मिला था। सो दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर किड्स, उनका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। एक्चुअली ये बेस्ट स्टार्ट है, इसे ही ग्रोथ कहेंगे हम। सो यस, और फ्रीलाइन वॉकिंग स्टाइल का यहाँ पे शो हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे किड्स हैं यहाँ पर और इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। और वॉकिंग स्टाइल का वो बहुत अच्छा हुआ है, किड्स का मोटिवेशन इससे बढ़ता है। और आज की जो इनकी क्लोथिंग स्टाइल थी वो भी बहुत अच्छी लगी, और किड्स का जो रैम वॉक था बहुत सही लगा मुझे। और इनके इस ये ऐसे इवेंट्स होने से बच्चों का मोटिवेशन और ग्रो करता है। और आज ये किड्स फैशन शो जो ऑर्गेनाइज़ किया था बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, एंड बहुत बच्चे पार्टिसिपेट किए, और जो कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहने थे वो हमारे रिलायंस ट्रेंड्स के थे। सो ये स्टोर जो है ये बर्डी में लैंडमार्क स्टोर में है, और यहाँ पर हम फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े बेचते हैं, देन सेकंड फ्लोर पे हम ग्रोसरी और अदर चीज़ें बेचते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे ऑफर्स हैं, अगर आप देखें तो आप हम 199 की शॉपिंग पे शुगर ये सिर्फ 9 रुपये में देते हैं, और 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जो बाय वन गेट वन है हमारे यहाँ पे। सो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे हम हर महीने एक्टिव करते रहेंगे। थैंक यू। मेरा नाम सानिका है और मैं फाउंडर हूँ इंटरनेशनल किड्स फैशन वीक का। हमारा मेन मोटिव वही था कि नागपुर के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए वॉक करने का, और हर किसी को नहीं पॉसिबल होता है पुणे मुंबई जाने के लिए, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ नागपुर में मिले टैलेंटेड किड्स के लिए। इसके लिए हमने ये आयोजित किया था रिलायंस के साथ, ताकि हर कोई जो भी टैलेंटेड बच्चा हो उनको ये फील्ड में इतना है। हमारे पास 1.5 साल से लेके 26 साल तक बच्चे हैं, बट मोस्टली किड्स ज़्यादा।
बच्चों को क्या कुछ जाना नहीं है क्योंकि इसके बाद हम सभी का ग्रुप होगा हमारा यहाँ पे।